श्री अकाल जे के न्यूज़ पॉइंट फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जसलीन कौर। जिस तरह कल से जम्मू में बारिश और मौसम की बात करें तो मौसम एक खुशगवार सा मौसम बना हुआ है। जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, जहां पर बारिश की वजह से पानी भी कुछ जगहों पर इकट्ठा हो गया। पर सबसे अच्छी बात करें कि मौसम इस वक्त जम्मू में सुहाना बना हुआ है। अब इस मौसम के साथ लोगों का क्या क्या खाने का मन भी करता है वो भी आपको बताएं। इस वक्त मैं एक यहाँ पर रेड़ी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर छल्ली जिसे हम कहते हैं, लोग यहाँ पर आज इस मौसम में खासकर बात करें तो लोगों का छल्ली खाने का मन करता है। तो यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं खाने के लिए, उनसे भी जानते हैं कि वो ये मौसम जो है किस तरह इन्जॉय करें। कहीं ना कहीं मानसून की बात करें तो जम्मू में एक हफ्ता लेट आया, पर आखिरकार मानसून ने दस्तक जो है दे ही दी है। तो जानते हैं लोगों से कि इस मौसम के बारे में वो क्या खाना पसंद करेंगे। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील। सुनील, तो अगर आज मौसम की भी बात करें और जिस तरह आप छल्ली की रेड़ी के पास खड़े हैं तो छली खाने का मन था। हाँ, छली खाने का मन था, तभी रुके हैं। और मौसम की बात करें तो खासकर इस मौसम में ज़्यादा छली खाने का मन करता है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इतनी गर्मी पड़ रही है जम्मू में, बुरी हालत है हर जगह, पंजाब हर जगह इतना गर्मी का माहौल है, तो मौसम में थोड़ी चेंजिंग आई है तो अच्छा लग रहा है। मौसम का इंजॉय कर रहे हैं छली खा के। तो खासकर जो छल्ली का मौसम होता है वो यही रहता है, जब इस वक्त मौसम में तो हमेशा इंतज़ार रहता है कि छल्ली वाला मौसम कब आएगा, कब खाएं। हाँ, इंतज़ार तो रहता ही कि हम छल्ली खाएं, कुछ ऐसी गर्म चीज़ें खाएं जिससे थोड़ा माहौल हो, सुहाना हो जाए। कोई मैसेज रहेगा हमारे माध्यम से लोगों को देना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ को इंजॉय करो, अब मौसम में चेंजिंग आई है, छल्ली वगैरह खाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, बाइक पर मस्ती करो, बारिश में भीगो फ्रेंड्स के साथ। बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने कहा खाओ पियो ऐश करो मित्रों, तो यहाँ पे इनसे जानते हैं। आंटी, नाम क्या आपका? ज्ञानती। ज्ञानती, तो ये कब से आप यहाँ पर रेडी लगा रही हैं? मैं 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गए, तो हर साल इसी मौसम में ये? हाँ, छली के हर साल मैं मक्की का रेडी लगाती हूँ। ये लगाते हो? हाँ। तो ये आपने खुद ही यहाँ पर लगाई हुई है मक्की की बात करें? हाँ, मक्की तो मैं हर साल लगा के बेचती हूँ। हाँ, तो कैसी बिक रही होती है अभी तक अगर आज की बात करें तो? अच्छी होती है, जब बारिश होती है तो हमारा भी काम चलता है, जब बारिश नहीं होती है तो थोड़ा कम होता है। और कुछ कहना चाहेंगे? और परिवार में और कौन कौन है? हमारे परिवार में यही सब है, बस यही चल रहा है। हाँ। तो कितना वक्त हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमें हो गया 18 साल। 18 साल हो गए, तो 18 साल से यही हमेशा? हाँ। कर या और भी कोई कारोबार था पहले? और कोई काम करते? क्या कारोबार था? सब्जी के साथ। हाँ। तो पति संभालता सब्जी और आप यहाँ पर? हाँ। लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इस वक्त लाइव देख रहे हैं कि आइए मेरे यहाँ पर, अपनी लोकेशन बता दीजिए लोगों को? मैं यही बताऊँगी कि मेरा भी यही काम है, अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, हाँ भाई तो कुछ भी, अरे गरीब आदमी के लिए तो यही सब काम है ना। और आंटी, जैसे हम महिला शक्ति की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो अपने घर की अगर बात करें पूरे परिवार का पेट चलाती हैं, और जिस तरह पति जो है सब्जी की रेडी लगाता है, और खुद जो है यहाँ पर जिस तरह मक्खी की आप देख सकते हैं यहाँ पर छल्ली जिसे हम कहते हैं कि जिस तरह रेडी लगाती है, और यही मौसम रहता है कि जब यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं और खाने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, अब यही सब तो है। हाँ, आप आइए और मक्की का छल्ली खाइए, और क्या कह सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि आप लोग आइएगा तभी हमारा बिक्री भी होगा, तभी हम लोग भी भाई जी सकेंगे, बच्चे को पढ़ा लिखा सकेंगे कमा के। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ। जाते हैं स्कूल? हाँ। कौन सी क्लास में? मेरे 2 लड़की 10वीं में है, एक 7 में है, बाकी और एक छोटा लड़के को बाल भारती स्कूल में डाली है। चलो अच्छा, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चों को इसी तरह पढ़ाएं, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में वो कुछ ना कुछ बने और आप लोगों का भी सहारा रहे। हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं कि हम लोग नहीं पढ़े, बच्चे पढ़े और पढ़ के कुछ बने। हाँ। तो यहाँ पर जिस तरह आपने उनकी बात सुनी कि वो लोग नहीं चाहते कि जिस तरह का काम वो करते हैं, उनके बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी में, हर जो कहेंगे हर पेरेंट्स जो होते हैं वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं हमेशा मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुकाम हासिल करें, तो ये भी एक
परिवार है, इनका भी एक परिवार है, तो ये भी यही चाहते हैं कि इनके बच्चे भी हम जैसे लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह पढ़ें, मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बने। और अपने माँ बाप की बात करें तो एक बुरे वक्त में या बुज़ुर्ग टाइम में जो बात करें, एक ओल्ड एज में उनका सहारा बने। तो जिस तरह ने कहा कि इस मौसम की बात की जाए, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके इन गरीब लोगों के पास जाइए। जिस तरह हम बाहर रेस्टोरेंट से या बड़ी बड़ी शॉप से कुछ खरीदते हैं, तो क्यों ना हम इन जैसे लोगों के से यहाँ से खरीदें और खाएँ, ताकि इन लोगों की जो है, जो इनका एक कारोबार चलता है, वो इसी तरह चलता रहे। आपको बता दूं, ये रेहड़ी जो थी बिल्कुल रेलवे के साथ यहाँ पर मौजूद थी चौक पे, जहाँ पर हमने इस औरत से भी बात की और महिला सशक्तिकरण की भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जिस तरह अपना पूरा परिवार वो चला रही हैं। फिलहाल मुझे और दीक्षा को दीजिए इजाज़त और इस मौसम का आप इसी तरह लेते रहिए मज़ा।